बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब से लोगों ने ड्रामा सीरियल दिलीश अर्तुगरुल देखा है तो लोग इसके जहर में गिरफ्तार हो गए हैं, इसलिए इसका दूसरा हिस्सा भी बनाया गया है जिसका नाम ड्रामा सीरियल कुरुलुश उस्मान रखा गया है। इस ड्रामा सीरियल को देखने के बाद लोगों में इसके किरदारों की तारीख जानने का शौक पैदा हुआ है। लोग ये जानना चाहते हैं कि इन किरदारों के बारे में तारीख क्या कहती है। कुरलुश उस्मान सीजन वन में आलिशार बे को देखने के बाद लोगों ने तारीख के इस अहम किरदार के बारे में तलाश करना शुरू कर दी है, लिहाजा मैंने आलिशार बे के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। जैसे आलिशार बे कौन था, सल्तनत उस्मानिया के क्याम में आलिशार बे का क्या किरदार था, काई कबीले से इसका क्या ताल्लुक था, उन्होंने कब वफात पाई और आलिशार बे की कब्र कहाँ वाकई है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो दो शख्सियात के बारे में हमें पता चलता है जिनका नाम आलिशार बे था। उन दोनों का ताल्लुक गर्मियान खानदान से था और वह बाप बेटा थे। सलजुकी दौर के दौरान ये अमीर सांजाक सरदार थे और तमाम दूसरे सरदारान इनके मातहत थे। अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी भी इनके मातहत थे, जिसका मतलब ये है कि आलिशार बे उन दोनों से उहदे में ज्यादातर थे। ड्रामा सीरियल कुरलुश उस्मान में हम देख रहे हैं कि आलिशार बे को एक नौजवान के तौर पर दिखाया गया है, यानी ये वो बेटे याकूब हैं जिनका पूरा नाम याकूब आलिशार है। याकूब आलिशार ने 1303 से 1327 तक सलजुकी सल्तनत के लिए अपने फराइज सर अंजाम दिए। तारीख में इनकी पैदाइश के बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। आलिशार बे ने सलजुकी सल्तनत ऑफ रोम के मसूद दोम के इख्तियार की नफी करते हुए अपनी रियासत कायम करने के लिए अलहानिज के साथ इतिहाद किया था। आलिशार बे ने मुकामी बाजंतीनी सल्तनत पर छापा मारा और उन्हें कुछ वक़्त के लिए इसे खराज तहसीन पेश करने के लिए मजबूर किया। इनका तारीख में पहला रिकॉर्ड अनकरा में कैजलबी मस्जिद की मुरम्मत की किताब की तलाश के दौरान कायम किया गया था, जिसमें वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है कि कैजलबी मस्जिद के मिंबर की मुरम्मत 1298 से 1299 ईस्वी में गर्मियान के सरदार ने की थी। ये दौर भी याकूब आलिशार अव्वल के दौर के करीब है। ये भी बताया गया कि आलिशार बे के काई कबीले के दुंदार बे के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात थे। दोस्तों ये बात भी आपको बताते चलें कि दुंदार बे काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के छोटे बेटे और सल्तनत उस्मानिया के हकीकी बानी अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे भाई थे। सल्तनत उस्मानिया के क्याम के दौरान उस्मान गाजी के साथ आलिशार बे के ताल्लुकात खराब हो गए, जिसकी वजह से जर्मियानियों और उस्मानियों के माबेन देरपा दुश्मनी हुई। आलिशार बे 1327 ईस्वी के बाद इंतकाल कर गए और अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों अगर हम ड्रामा सीरियल कुरलुश उस्मान में आलिशार बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार सारूहन हुनैल के बारे में बात करें तो वह 7 जनवरी 1970 को इस्तंबुल तुर्की में पैदा हुए और उनकी मौजूदा उम्र 50 साल है। अगर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो साल 2003 में उनकी शादी सरकिन आइकस से हुई थी। दोस्तों अगर आप ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी और कुरलुश उस्मान के दूसरे किरदारों की हिस्ट्रीज और बायोग्राफीज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और डिस्क्रिप्शन देखिए जिसमें उन वीडियोज़ के लिंक दे दिए गए हैं। ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दोस्त अब्दुल्ला हाशमी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।